संबंधित मंत्री जी ने एक बयान दे दिया था, मुख्यमंत्री जी ने उसका स्पष्टीकरण कर दिया है कि उसमें राजभवन में का कहीं दोष नहीं है। देखिए, ये हम सभी लोगों के सोचने का विषय है, किसी एक व्यक्ति का नहीं है। जिस प्रकार से नशा हिमाचल में घरों तक पहुंच गया है, अगर आज हम नहीं सोचेंगे तो पूरा हिमाचल बर्बाद हो जाएगा। तो अभी दो दिन पहले ही हमारी मुख्यमंत्री जी से इस पर बात हुई है और मैंने उनको इस बात के लिए किया है कि पूरी सतर्कता के साथ प्रशासन को लगाया जाए ताकि जो पिछली बार हुआ आपदा में वह अब की बार हिमाचल में न हो। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी उस पर लगे भी हुए हैं, उनका स्टेटमेंट भी आया है, तो ये लग रहा है कि पूरे प्रशासन को उन्होंने इस संदर्भ में सतर्क किया है और निश्चित रूप से अब की वो ठीक होना चाहिए। लेकिन पिछले दिनों आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है तो उससे लग रहा है कि राजभवन और सरकार के बीच में थोड़ी तनातनी के लिए। नहीं, किसी प्रकार के तनातनी की बात नहीं है। ये जरूर है कि किसी गलत फहमी में संबंधित मंत्री जी ने एक बयान दे दिया था, मुख्यमंत्री जी ने उसका स्पष्टीकरण कर दिया है कि उसमें राजभवन में का कहीं दोष नहीं है, बल्कि राजभवन ने जिस पत्रावली के संदर्भ में उन्होंने कहा कि राजभवन में है, वह पत्रावली 3-4 महीने पहले ही शासन के पास पहुंच गई है और आज विधि विभाग के पास है। देखिए, ये हम सभी लोगों के सोचने का विषय है, ये किसी एक व्यक्ति का नहीं है। जिस प्रकार से नशा हिमाचल में घरों तक पहुंच गया है, अगर आज हम नहीं सोचेंगे तो पूरा हिमाचल बर्बाद हो जाएगा। बगल के राज्य जिस स्थिति में है, अगर उससे बचाना है हिमाचल को, तो हम सभी लोगों को एक साथ मिलकर के नशे के विरुद्ध काम करना है। और मैं समझता हूं कि केंद्र सरकार भी इस पर अब काम कर रही है, अच्छी तरह से काम कर रही है।